थाली डेकोरेट करना सिखाऊंगी। आप सब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और जिसमें हमें थाली की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन हैंडमेड एक अलग चीज होती है, अपने अंदर से भी खुशी होती है। आओ मैं अब आपको बताती हूँ जिस जिस सामान की आवश्यकता होती है थाली सजाने के लिए। हमें एक खाली थाली की आवश्यकता होती है, एक लैस होती है, एक ये मेरे पास दो तरह की लैस है, एक ये है एक ये है। गम्स चाहिए, दो कटोरी जिसमें हम टिक्के के लिए रोली चावल रखते हैं। मेरे पास कुछ ये शीशे हैं और कुछ ये मोतियां हैं जिनसे मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। नाउ स्टार्ट। और उसके लिए जैसे कि ये पेपर है, पेपर इसमें से हम कटिंग कर लेते हैं और कटिंग मैंने इसको कटिंग कर लिया है और कटिंग करके मैं इसको इस तरीके से चिपका दूंगी। देखिए मैंने इस तरीके से थाली को इसे चुनरी प्रिंट पेपर बोलते हैं इसको इसको चिपका लिया, कवर कर दिया। अब हम इस पे क्या करेंगे, चलो अब हम इस पे एक लैस लगाते हैं जिससे कि ये और सुंदर दिखे। मेरे पास दो तरह की लैस है, ये भी है ये भी है, दो तरह की है, लेकिन मैं फिलहाल इसको लगाऊंगी क्योंकि इससे ज्यादा शाइन होगी। चिपका देती हूँ इस तरीके से। अब ये देखो इस तरीके से मैंने इस पे लैस को चिपका दिया है चारों तरफ से। अब ये हमारी लैस चिपक चुकी है और जो कि हमारी थाली आज सज चुकी है। अब हम इस पे शीशे, ये शीशे हैं और ये मोतियां हैं, इनको चिपकाएंगे। इनको भी हम फेविकोल की सहायता से चिपका लेते हैं, आपकी मर्जी है कितना शीशा आप बना सकते हो, चिपका सकते हो इस तरीके से। इनको एक एक कर इस तरीके से हम इसको, ये मोतियां हम शीशे हमने चिपका दिए हैं और अब हम इनको मोतियों को चिपका देंगे ऐसे ही, ऐसे पूरी थाली पे हम इसी तरीके से चिपकाते हुए चले जाएंगे। आप इनको इस तरीके से चिपकाते हुए चलिए। तरीके से शीशे और अपने मोतियों को चिपका दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बीच में भी लुक दे देती हूँ जो कि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये मेरी थाली कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए इस तरीके से आप थाली सजा सकते हो। अगर आपको मेरी थाली पसंद आए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं मुझे।